खुश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और खुश वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे देशों के बारे में जहां भारत का एक रुपया 200 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, आप ऐसी जगहों पर जाकर खूब मौज उड़ाइए, कई दिन रहिए, बड़े खूबसूरत देश हैं, आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला। दोस्तों, कौन से हैं वो देश, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है कि पैसों की कमी के कारण हम में से कई लोग चाहते हुए भी विदेश यात्रा पर नहीं जा पाते। कभी सोचो कि दूसरे देशों की तुलना में भारत की करेंसी का मूल्य इतना कम होता है कि हम होने वाले खर्चों के बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं और घूमने का प्लान कैंसिल कर देते हैं या बनाते ही नहीं या जा नहीं पाते। खास इसी बात को ध्यान रखते हुए हम कुछ ऐसे देशों के बारे में खोजबर्ण में आपको बताने जा रहे हैं जहां की करेंसी का मूल्य भारतीय रुपये से बहुत कम है और आप वहां जाकर बहुत कम पैसों में सैर कर सकते हैं, मौज उड़ा सकते हैं। इनमें सबसे पहले नाम आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में भारत का एक रुपया वहाँ पर 207.98 इंडोनेशियन होते हैं। इंडोनेशिया अपनी बीचेस के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ साफ नीला पानी और ट्रॉपिकल जलवायु देखने को मिलती है। इंडोनेशिया उन देशों में से एक है जहाँ पर भारतीय मुद्रा की वैल्यू बहुत अधिक है। इसके अलावा यहाँ भारतीयों को अराइवल पर मुफ्त वीजा दिया जाता है। बाली यहाँ का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बात करेंगे दूसरे देश की जिसका नाम है वियतनाम। यहाँ भारत का एक रुपया 350.32 वियतनामी करेंसी के बराबर है। यहाँ के खूबसूरत और शानदार बौद्ध मंदिर, टेस्टी वियतनामी खाना, दिलकश नदियाँ आपका मन मोह लेंगी। इसके अलावा युद्ध संग्रहालय और फ्रेंच वास्तुकला भी यहाँ आकर्षण का केंद्र है। इसलिए आप कम पैसों में घूमने के लिए इस देश को भी अपनी डेस्टिनेशन के रूप में चुन सकते हैं। बात करेंगे अगले देश की जिसका नाम है कंबोडिया। भारत का एक रुपया यहाँ 62.362 कंबोडियन करेंसी के बराबर है। कंबोडिया के समुद्री तट, कॉलोनियल बिल्डिंग्स, बहुत खूबसूरत विशाल पत्थरों से बना अंकोरवाट का मंदिर बहुत ही मशहूर हैं। साथ ही यहाँ बहुत से हिंदू मंदिर हैं, इसलिए कंबोडिया में हिंदू टूरिस्ट की संख्या सबसे ज्यादा होती है। रॉयल पैलेस, राष्ट्रीय संग्रहालय, पुरातत्विक खंडर यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। भारतीय नागरिक अधिक खर्च किए बिना ही कंबोडिया घूम सकते हैं। बात करेंगे अगले देश की जिसका नाम है हंगरी। भारत का एक रुपया हंगरी में 4.0153 हंगेरियन करेंसी के बराबर होता है। हंगरी का वास्तुकला और संस्कृति बेहद ही लोकप्रिय है, जो रोमन, तुर्की व अन्य संस्कृति से प्रभावित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट दुनिया के सबसे रोमांटिक शहरों में से एक है। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग बुडापेस्ट में होती है। बात करेंगे अगले देश की जिसका नाम है चिली। भारत का एक रुपया चिली में 9.62 चिलियन करेंसी के बराबर है। आप चिली के जंगल ट्रिप और ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। चिली के माउंटेन्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अलावा यहाँ बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी और चोटियाँ भी हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, देर किस बात की, अपना प्रोग्राम बनाइए और घूम कर आइए कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और चिली और हंगरी में, और आनंद उठाइए अपने जीवन का। दोस्तों, खोज वर्ल्ड में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।